ये हमारा एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स इफ इज डायमीटर इज 6700 किलोमीटर. ये मार्स है, इसका डायमीटर दिया हुआ है. डायमीटर ऑफ मार्स इज इक्वल टू 6760 किलोमीटर दिया हुआ, और इसका मास जो है अर्थ के मास का 1/10 है. मास ऑफ मार्स 1/10 ऑफ मास ऑफ अर्थ, ये दिया हुआ है. द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 1/2, डायमीटर ऑफ अर्थ भी दिया हुआ है, इज इक्वल टू 12742, ये दिया हुआ है. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी अर्थ के सरफेस पे दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, हमें बताना है. और मास ऑफ अर्थ हमने एमई मान ही लिया है. हमें बताना है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स. तो हमारा ये हमारा मार्स है. मार्स के सरफेस पे अगर हम देखें तो मार्स के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ये हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर. और अगर ये मार्स का है तो यहां पर मास ऑफ मार्स और रेडियस ऑफ मार्स लिखा जाएगा. और इसी तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ हो जाएगा जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर. और हमें निकालना है मास, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं. ये हमारा पहला एक्सप्रेशन है, ये हमारा दूसरा एक्सप्रेशन है. तो हम लिख सकते हैं जी ऑन मार्स डिवाइडेड बाय जी ऑन अर्थ इज इक्वल टू, यहां से अगर देखें तो कैपिटल जी कम हो जाए, कट जाएगा, हमारे पास बचेगा मास मार्स का डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मार्स का स्क्वायर. तो हमें दिया हुआ है कि जी ऑफ मार्स हमारा हो जाएगा जी नॉट. जी नॉट मतलब हमें दिया हुआ है कितना, 9.8. तो ये हो गया 9.8 इंटू मास ऑफ मार्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ. यहां से हमें दिया हुआ है मास ऑफ मार्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ इज 1/10 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ. रेडियस ऑफ अर्थ हमारा हो जाएगा इसका आधा और इसका आधा, तो ये दोनों आधा कैंसिल हो जाएगा. हम सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं 12742 डिवाइडेड बाय 6760 का होल स्क्वायर. ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स. अब यहां से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम लिखेंगे इट इज 9.8 डिवाइडेड बाय 10. ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन हो गया जी ऑन मार्स इज इक्वल टू 0.98 इंटू, यहां से इंटू कर लेते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, 12742 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6760 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये हमारा आता 3.48. ये पूरा कैलकुलेट करके जी ऑफ मार्स जो हमारा आ रहा है 3.48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये पूरा कैलकुलेट कर लिया हमने, ये पूरा एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट कर लिया और इसको कैलकुलेट करके ला रहे हैं तो आता है 3.48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब मार्स के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ये हो जाएगा हमारा 3.48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस तरह से ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है. द डेंसिटी ऑफ कोर ऑफ ए प्लैनेट इज रोवन. ये एक प्लैनेट है, इसके दो पार्ट में ये बना हुआ है, एक पार्ट का डेंसिटी रोवन है और बाहर वाले पार्ट का डेंसिटी रोटू है. द रेडियस ऑफ कोर एंड दैट ऑफ प्लैनेट आर आर, इसका रेडियस प्लैनेट का आर है और इसका रेडियस 2r है यहां से यहां तक. ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट द सर्फेस ऑफ प्लैनेट इज सेम एट डेप्थ एज एट डेप्थ आर, फाइंड द रेशियो ऑफ रोवन बाय रोटू. तो ये प्लैनेट दो पार्ट में बना हुआ है, एक पार्ट तो इसका कोर है और दूसरा पार्ट इसका आउटर सर्फेस है. यहां बोला सर्फेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यहां पर जी, और यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जीवन, ये दोनों क्या है, बराबर. ये प्लैनेट दो पार्ट में बना हुआ है, एक पार्ट में इसका कोर है जिसका रेडियस आर है और दूसरा इसका सरफेस है जिसका रेडियस 2r है. और कोर के सरफेस पे और इस प्लैनेट के आउटर सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, बराबर.
अब हम क्या करते हैं, इसका कोर का मास m1 मान लेते हैं और सरफेस का मास m2 मान लेते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि m1 जो हो जाएगा डेट इज इक्वल टू रो वन इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, और दूसरा m2 लिखेंगे, m2 हमारा हो जाएगा रो टू इंटू फोर बाई थ्री पाई इंटू टू आर का होल क्यूब माइनस आर क्यूब। तो ये हो जाएगा रो टू इंटू फोर बाई थ्री पाई और ये एट माइनस टू सेवन आर क्यूब। ये हमारा m1 और m2 का वैल्यू हो गया, बाद में हम इसको रिप्लेस कर देंगे। अब पहला हम लोग काम करते हैं g1 निकालते हैं। तो g1 में क्योंकि ये सरफेस पे है तो g1 हमारा हो जाएगा जी एम वन बाई आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस के कारण इस कोर के सरफेस पे ये जो आउटर लेयर है इसके कारण फील्ड क्या हो जाएगा जीरो। तो ये हमारा g1 हो गया। और इसी तरह से g2 का वैल्यू जो हो जाएगा दैट इज जी एम वन प्लस एम टू बाई टू आर का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा g2। इसी तरह से अब ये बोलता है कि g1 और g2 का वैल्यू बराबर है, तो हम लिख लेते हैं g1 इज इक्वल टू g2। तो g1 हमारा हो जाएगा जी एम वन बाई आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू जी एम वन प्लस एम टू बाई फोर आर स्क्वायर। ये जी और ये जी कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, यहां से हमारा आ जाएगा फोर एम वन मस्ट बी इक्वल टू एम वन प्लस एम टू, और फोर माइनस वन मतलब ये थ्री एम वन मस्ट बी इक्वल टू एम टू, ये हमारा रिजल्ट आ गया। और एम वन का वैल्यू है हमारा थ्री, एम वन का वैल्यू हमने लिख रखा इट इज रो वन इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, और एम टू का वैल्यू हो जाएगा हमारा रो टू इंटू फोर बाई थ्री पाई इंटू सेवन आर क्यूब। ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है, अब यहां से इसको काट देते हैं, ये फोर बाई थ्री पाई फोर बाई थ्री पाई कट जाएगा, आर क्यूब कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा रो वन बाई रो टू इज इक्वल टू सेवन बाई थ्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों डेंसिटी का रेशियो हो जाएगा, यहां पे देख लेते हैं इसका आंसर, रो वन बाई रो टू इज सेवन बाई थ्री, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, टू मासेस इक्वल मासेस एम एंड एम आर हैंगिंग फ्रॉम अ बैलेंस हुज स्केल पैन डिफर्स इन वर्टिकल हाइट बाई एच, कैलकुलेट द एरर इन वेइंग डिफरेंस इन वेट दैट इज इफ एनी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ रो, लेट द मास ऑफ अर्थ एम। यहां पर एक दो ब्लॉक है, ये दोनों का जो हाइट है ये एच का डिफरेंस है, तो हमें बताना इन दोनों के वेट में जो एरर आएगा, तो इसका वेट अगर हम डब्ल्यू वन मान लें और इसका वेट अगर हम डब्ल्यू टू मान लें, तो एरर जो हमारा होगा इज इक्वल टू डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू। और हमें पता है डब्ल्यू वन जो हमारा होगा, डब्ल्यू वन क्योंकि अर्थ के सरफेस पे ही है, तो डब्ल्यू वन जो हमारा हो जाएगा एम इंटू जी, और ये हमारा हो जाएगा एम जी, जी मतलब जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। इसी तरह से डब्ल्यू टू जो हमारा हो जाएगा एम इंटू जी, यहां का g1 हो गया और ये g2, ये g1 यहां का और g2 यहां का, तो यहां का g2 जो होगा ये हो जाएगा m g कैपिटल m बाई हाइट टोटल सरफेस अर्थ सेंटर से कितना हो गया r प्लस h का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया m1 और w1 और w2। अब एरर हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे एरर इज इक्वल टू w1 माइनस w2, w1 हमारा है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई, ये हमारा हो जाएगा वन बाई आर स्क्वायर माइनस वन बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये इतना हो गया। सो एरर हमारा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू जी कैपिटल एम, कैपिटल एम का वैल्यू हम रो लिख सकते हैं इंटू फोर बाई थ्री पाई कैपिटल आर क्यूब, ये मास ऑफ अर्थ हो गया इंटू मास ऑफ पार्टिकल इंटू, यहां से ये लिख लेंगे और ये हम लिख सकते हैं यहां से वन बाई आर स्क्वायर माइनस वन बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा वन प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, ये हमारा इस तरह का रिलेशन बन जाएगा। अब इसको एरर को हम लिख लेते हैं दैट इज इक्वल टू जी रो फोर बाई थ्री पाई कैपिटल आर क्यूब स्मॉल एम, ये हमारा एक टर्म हो गया,
और यहां से आर स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हमारा आर स्क्वायर बाहर आ गया, ये बचा 1 माइनस 1 प्लस एच बाई आर होल टू द पावर -2। आर स्क्वायर बाहर निकाल के इस टर्म को ऊपर कर दिए, क्योंकि एच बाई आर बहुत छोटा है, तो हम यहां से लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू जी रो 4/3 पाई आर एम, ये आर स्क्वायर आर क्यूब कट जाएगा और ये बचेगा 1 माइनस एच 1, और ये हो जाएगा माइनस तो प्लस 2h/r, तो ये 1 1 कट गया, और यहां से हम लिख सकते हैं दिस इज r, r भी काट देंगे तो ये बचेगा 8g rho πm/3, और यहां पर एक टर्म h भी ये रहेगा 8g rho πmh/3, ये हमारा हो जाएगा एरर इन वेट, ये वेट में एरर रहेगा, ये हमारा इसका आंसर है।